स्टूडेंट माय नेम इज विजेंद्र सिंह आई एम योर एसएससी टीचर इन विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल लेट्स वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 1 द मेडिवल वर्ल्ड नाउ टुडे टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री कम्स डाउन टू अस इन द फॉर्म ऑफ सोर्सेस लाइक लिटरेचर कॉइन मोनूमेंट्स इंस्क्रिप्शन पेंटिंग्स ईटीसी ऑफ द पीरियड बच्चों क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति का जो है इतिहास जानना चाहते हैं तो उस इतिहास हमारे सामने जो है वो विभिन्न साक्ष्यों को के माध्यम से जो है हमारे सामने आता है जिसमें जैसे कि उस काल का साहित्य है और उस काल के सिक्के जिसे हम जानना चाहते हैं मोनूमेंट्स उस समय की इमारतें बिल्डिंग्स इंस्क्रिप्शन भाषा और लिपि और चित्र इन सभी साक्ष्यों के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति वस्तु का जो है इतिहास जानने में हमें सहायता मिलती है ठीक है। द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स कॉन्स्टिट्यूट आवर लिंक टू द पास्ट तो जो आर्कियोलॉजिकल मीन्स पुरातत्व एंड लिटरेरी यानी साहित्यिक स्रोत जो होते हैं पुरातत्व और साहित्यिक स्रोत जो होते हैं वो हमारे अतीत से जुड़े हुए होते हैं। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री हैज लेफ्ट बिहाइंड ए रिच रेपोस्ट्री ऑफ सोर्सेज विच हेल्प अस रिकन्स्ट्रक्ट द पीरियड तो जो हमारा प्राचीन इतिहास है वो अपने पीछे जो है बहुत बहुत संपन्न कोष या ये कहिए कि बहुत हमारा जो भारत का इतिहास है वो बहुत संपन्न धरोहर हमारे लिए छोड़ गया है जिससे हम जो है विच हेल्प अस जो हमारी मदद करता है रिकन्स्ट्रक्ट द पीरियड उस काल को जानने के लिए जो है हमारी मदद करता है सहायता करता है उस काल के बारे में जानने के लिए हम भारत का इतिहास कैसे जानें ठीक है। तो वो जानने के लिए हमारा आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स जो होते हैं वो बड़ी मदद करते हैं ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरातत्व स्रोत जो हैं वो कौन कौन से हैं। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री थ्रू द रिमेन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नोन एज आर्कियोलॉजी ठीक है। मानव जीवन के बारे में के इतिहास के बारे में जो अध्ययन कराता है उसे हम आर्कियोलॉजी या पुरातत्व स्रोत कहते हैं ठीक है। सच सोर्सेज में इंक्लूड मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स एंड कॉइंस तो जो पुरातत्व स्रोत होते हैं उसमें जो है हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स स्मारक और जो है भवन इसके अलावा स्कल्पचर मूर्तियाँ ठीक है एंड पेंटिंग्स उस समय के चित्र और कॉइन यानी सिक्के उस काल में कैसे सिक्के चलते थे उस काल में कैसी मूर्तियाँ थी कैसी बिल्डिंग्स और इमारतें बनाई जाती थी ठीक है स्मारक कैसे बनाए जाते थे उसी से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उस समय किस तरह का जो है आप कह सकते हैं किस तरह की संस्कृति रही होगी किस तरह का समाज रहा होगा उस समय ठीक है। नाउ टॉपिक इज इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन मीन्स भाषा और लिपि उस समय उस काल में जिस काल का हम अध्ययन करना चाहते हैं उस समय कैसी भाषा बोली जाती थी कैसी लिपि लिखी जाती थी। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस लाइक मेटल रॉक एंड स्टोन उस समय क्या होता था जो भाषा लिखी जाती थी जो लेख लिखा जाता था वो मेटल पर या किसी धातु पर रॉक माने किसी चट्टान पर या स्टोन पर ठीक है पत्थर पर लिखे जाते। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी जब हम किसी लिपि या भाषा का जो अध्ययन करते हैं तो उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। आप जानते हो अर्ली मैन कहाँ लिखता था पत्थरों पर लिखता था ठीक है। अर्ली मैन दिन भर थका आ रहा था और रात को जो है जब गुफा में बैठता था तो हाथ से पत्थर लेके या कोई नुकीली लकड़ी या कील लेके कुछ सॉरी नुकीला कोई जो है लकड़ी या कुछ ऐसी चीज़ें नुकीले पत्थर उससे जो है दीवारों पर कुछ लिखा करता था लिपि वो उसकी भाषा होती थी। इंस्क्रिप्शन आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया पास्ट तो जो इंस्क्रिप्शन जो भाषा और लिपि है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है स्रोत है हमारे लिए भारत का इतिहास जानने के लिए। लास्ट ईयर यू रीड अबाउट द पिलर ऑफ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आपने पिछले साल पढ़ा होगा कि जो अशोक का जो स्तंभ है उस पर लेख लिखे हुए हैं ठीक है। इस तरह की ये आप चित्र में देख सकते हैं कि मौर्य काल में जो
सम्राट अशोक का ने जो स्तंभ बनवाया था, जो पिलर बनवाया था, उस पर इस तरह का कुछ लेख लिखे हुए थे, द मौर्यंस किंग, ठीक है, मौर्य काल का में सम्राट हुए अशोक, उन्होंने एक पिलर बनवाया था, उस पर इस तरह की कुछ लिपि लिखी हुई है, इंस्क्रिप्शन मे बी शॉर्ट, जो लिपि है वो कुछ छोटी भी हो सकती है, सच एज द टू लाइन डेडिकेशन ऑफ टेम्पल्स और ए स्टैचू, और लेंदी और इंस्क्रिप्शन लंबी भी हो सकती है, ठीक है, बहुत शॉर्ट भी हो सकती है और लंबी भी हो सकती है, सच ए लॉन्ग पोएम प्रेसिंग द अचीवमेंट ऑफ किंग, उस समय क्या होता था, राजा के जो उपलब्धियां होती थी, जो अचीवमेंट होते थे, वो उनका बखान करने के लिए कवि कविताएं लिखा करते थे, लेख लिखा करते थे, दिस पोयम इन प्रेस ऑफ किंग आर कॉल्ड प्रेस्टी, तो जो राजा के गुणगान करने के लिए, राजा की व्याख्यान करने के लिए, उसकी उपलब्धियों का व्याख्यान करने के लिए जो कविता पोयम लिखी जाती थी, उन्हें हम प्रेस्टी कहते थे, ठीक है, प्रशस्ती कहते थे, ठीक है बेटा, तो ये पोयम जो है ये भी हो सकता है ये कविता हो सकता है जो अशोक ने जो अपना स्तंभ बनाया था उसमें, उसके लिए ये हो सकता है कि ये उसकी स्तंभ के बारे में कोई जानकारी लिखी हो, या राजा ने किस तरह से संघर्ष करके ये बनाया उससे संबंधित कुछ लिखा हो, ठीक है, किस याद में बनाया है वो लिखा हो, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द मेडिवल पीरियड वी हैव प्लेंटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम द चोल इंस्क्रिप्शन टू द इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल ऑफ ताजमहल, हम जो है ताजमहल पर भी, दीवारों पर भी कुछ लिखा देख सकते हैं, वो उस मुगल काल की भाषा और लिपि का हमें ज्ञान कराती हैं, द रेड फोर्ट एंड द वॉल ऑफ राजपूत पैलेस, तो उन दीवारों पर भी आप देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो इंस्क्रिप्शन होती है, जो भाषा और लिपि होती है, ये भी हमारे